हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पैरेलली अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला चैप्टर आता है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर तो यही हो गया, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, देन उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर आपके पास एनसीईआरटी में, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है अमाइंस, देन अगला है बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये सब आपको सिलेबस में गिवन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, इस फ्लो में हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके चलेंगे। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप एक बार नोट कर लो। तो देखिए, जो एक होता है केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, ये दो टाइप के होते हैं। एक होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये मिलते हैं हमको नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है, ऑब्टेंड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेंड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो, कुछ चीज अगर नॉन लिविंग है तो उसको हम ऑर्गेनिज्म तो बोलेंगे नहीं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थिंग। ठीक है, और जो लिविंग होते हैं उनको ही ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने लिविंग वर्ल्ड में इन सब के बारे में पढ़ा है। जो लिविंग है, लिविंग के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, देखिए, उस टाइम में जब ये कैटेगराइज किया था कि केमिकल सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, तो उस टाइम में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसानों ने बना दिया इंसानों ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिए या फिर लैब में बना दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब बताया था बर्जीलियस ने। ठीक है,
और इन्होंने ये भी बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिर्फ उनमें ही पाए जाते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें कुछ पॉइंट है, उनको लिखते हैं यहाँ पर। बर्जीलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस cannot be, can't be synthesized in laboratory, lab में नहीं बना सकते हम organic substance को, और man-made, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को मैं रब कर देती हूँ थोड़ा। एक पॉइंट तो ये हो गया है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको लैब में नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाएंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस exist in living organism due to mysterious force, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाएंगे, या फिर इसको आप कह सकते हैं वाइटल फोर्स। तो इस थ्योरी को बोला गया था, दिस इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? VFT, ठीक है। अब देखिए, जो बर्जीलियस थे उनका एक स्टूडेंट था, बर्जीलियस का एक ये टीचर थे, जैसे ये टीचर हो गए और इनका एक स्टूडेंट है जैसे, और उनका नाम है फ्रेडरिक होलर। तो जो फ्रेडरिक होलर है ये अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इनके पास थे उनकी वजह से वो सब रिएक्ट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया उनको। ठीक है, अब देखिए, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया है, यानी कि यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक से नहीं बनेंगे, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमको मिल सकते हैं। लेकिन लैब में आपने देख लिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फॉर्म हो चुके हैं, और वाइटल फोर्स थ्योरी में बताया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, तो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई थी। यानी कि जो बर्जीलियस थे
उनकी थ्योरी फेल हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेडरिक होलर ने जानबूझ के अपने जो उसका मास्टर था उसकी थ्योरी को फेल करने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं था। ये सब एक्सीडेंटली हो गया था, ये अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते उनको एक फाइनल रिजल्ट मिल गया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो उसमें देखो जो फ्रेडरिक होलर थे उनका हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था। यहाँ लिखेंगे आप होलर सिंथेसिस, इसमें इन्होंने दो कंपाउंड लिए KCNO, ये क्या हो गया है पोटेशियम सियानेट ये रिएक्ट किया था अमोनियम फॉस्फेट के साथ, ये अमोनियम फॉस्फेट है सॉरी अमोनियम सल्फेट है, ये सल्फेट आता है ना अमोनियम सल्फेट, अब देखिए के पास पॉजिटिव साइन होगा और CNO इसके पास नेगेटिव साइन, पोटेशियम है उसके पास पॉजिटिव और जो CNO है यहाँ पर इसके पास है नेगेटिव साइन। यहाँ पर देखिए NH4 यहाँ पर होगा पॉजिटिव साइन और ये 2 यहाँ पर 2 नेगेटिव होता है, लेकिन जब ये कंपाउंड बना तो ये जो 2 नेगेटिव है यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, एक यहाँ पर नेगेटिव है, एक यहाँ नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहाँ का नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव के साथ जाएगा। तो इसमें जब रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, तो K2SO4 ये तो मिल गया आपको पोटेशियम सल्फेट। ये है बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, और जो दूसरा कंपाउंड है वो होगा अमोनियम सियानेट, यहाँ का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको NH4CNO, ये है अमोनियम सियानेट। ठीक है, ये रिएक्शन थी। इसमें जो ये अमोनियम सियानेट आप देख रहे हैं इसी को हीट और रीअरेंज करके हमें मिल गया था यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला। और यूरिया क्या होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए और ये दोनों कैसे थे इनऑर्गेनिक। तो होलर सिंथेसिस यही थी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, और वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी। तो अब हम देखेंगे होलर सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, होलर सिंथेसिस मैकेनिज्म। तो रिएक्शन क्या आई थी KCNO, इसे रिएक्ट किया था अमोनियम सल्फेट
और रिजल्ट में मिल गया था हमको NH4CNO प्लस में K2SO4 बाय प्रोडक्ट था, ठीक है। और इसको जब हमने हीट किया और रीअरेंज किया तो इससे हमें मिल गया यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम ये यूरिया का फॉर्मेशन तक पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। NH4 के पास पॉजिटिव साइन होगा और CNO के पास नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हम पहले इस वाले स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसके बाद CNO को। तो NH4 का स्ट्रक्चर होगा N, ये H और ये पॉजिटिव साइन, और दूसरा है C, यहाँ पर ये ऑक्सीजन C, ये ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, C और N में ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर एक होगी नेगेटिव साइन। अब देखो ये हो गया है अमोनिया वाला पार्ट, ठीक है, अमोनियम, और यहाँ पर ये सियानेट वाला पार्ट हो गया। अब देखिए जो नेगेटिव साइन है ये इधर आके एक बॉन्ड बनाएगी। अब देखिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए हैं, 5 बॉन्ड हो गए, लेकिन कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर इसको N वाले साइड की तरफ एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पर आया पहले, उसके बाद यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पर कार्बन के पास हो गए 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है कार्बन, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड जो होगा वो उसके सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम अगले में लिखेंगे, मैं आपको अभी समझाया बस, ये नेगेटिव साइन है इधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस होने के बाद आपको मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव साइन, मैंने आपको ये बताया वैसे ही करेंगे अब। सी ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ पर बॉन्ड बना देगा अपना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बॉन्ड बन गया। और ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है मैक्सिमम, यहाँ पर 5 बन रहे थे, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इस साइड हो जाएगा डबल बॉन्ड N और ये नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये H पॉजिटिव अलग हो गया है, और जो नाइट्रोजन है उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहाँ पर इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा दिए, बच कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बन जाएगा, ठीक है। और ये H पॉजिटिव को दिखेगा कि हाँ यहाँ पर नेगेटिव साइन है, चलो इसके पास नेगेटिव साइन के पास चला जाएगा। फिर N और ये लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो हो जाएंगे न्यूट्रल, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए, और H N के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ये जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, इन बॉन्ड में जितने भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव साइन आता है। तो ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो पार्शियली जो नेगेटिव साइन है इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं लिया है, कुछ जैसे कि
ऐसे होता है ना कि जैसे टग ऑफ वॉर खेलते हैं बच्चे, ठीक है, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। इधर भी ऐसे बहुत सारे बच्चों की लाइन लगी हुई है, इधर भी बहुत सारे बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो इस साइड अगर ये है, यहाँ पर जो फिनिशिंग लाइन होती है इस साइड कि इस वाली लाइन से इधर आ जाएंगे तो ये वाली टीम जीत जाएगी, अगर ये बच्चे इस साइड चले जाएंगे तो ये वाली टीम जीत जाएगी। तो ये जो रस्सी है, रस्सी ऑक्सीजन ने ज़्यादा अपनी तरफ खींच रखी है, ठीक है, और इस वाले ये वाली जो टीम है, ये ए टीम ये बी टीम, तो बी जो ए टीम है उसके पास थोड़ी सी रस्सी बच गई, बी वाली टीम के पास ज़्यादा रस्सी है। तो ऐसे यहाँ पर सेम केस है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचे आ रहे हैं, तो इसके पास हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव साइन, और कार्बन के पास हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव साइन। यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ खींच जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव साइन हो गया और कार्बन के पास हो गया पार्शियल पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव साइन यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर जो NH3 है अमोनिया, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खाली पड़े हैं, तो ये बोलेगा कि चलो मेरे दो इलेक्ट्रॉन खाली हैं, ये आप ले लो, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप लिखना ओ ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड NH, ये हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कार्बन को हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, NH3 दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, अमोनिया के हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल यही होता है, पता है ना आपको ये। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास, वैसे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कमी है तो फिर ज़बरदस्ती कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बॉन्ड बनाने लग गए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, पांच बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड इसको तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है उसको हम तोड़ेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा, जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस साइड नेगेटिव साइन आ जाएगा और कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन, ठीक। और यहाँ देखिए ये जो NH3 है और कार्बन, यहाँ पर भी जो कार्बन है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जो नाइट्रोजन है इसके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कार्बन के पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। कार्बन के पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया, कार्बन न्यूट्रल, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड NH और नेगेटिव साइन, इस साइड है डबल बॉन्ड O, देन NH2 और H पॉजिटिव, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, NH3 पॉजिटिव है ना, इसको हमने ऐसे थोड़ा तोड़ के लिख दिया है, NH2 और H पॉजिटिव, इस एच पॉजिटिव के दिखेगा कि हाँ यहाँ पर तो नेगेटिव साइन है, चलो नेगेटिव साइन के पास, तो ये एच पॉजिटिव यहाँ से अलग होके अपने नेगेटिव साइन के पास जाएगा, ओ सी एन एच। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और एक एच ऐड हो जाएगा यहाँ पर, NH2 हो गया, और इस साइड क्या बचेगा, NH2, तो यही तो फॉर्मूला होता है यूरिया का, यूरिया क्या था, NH2CO NH2, ठीक है, तो ये
आपके पास आ गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। अब देखो यहाँ से ये जो पार्ट चल रहा है ना इस स्ट्रक्चर के बाद, ये वाला, ये और ये तीनों आएंगे रीअरेंजमेंट के अंदर, कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस चल रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा था हीटिंग का, ठीक है। अब देखो यूरिया तो प्रिपेयर कर दिया गया लैब में किसके द्वारा, फ्रेडरिक होलर के द्वारा। और एक है एसिटिक एसिड, इसको प्रिपेयर किया था कॉल्बे ने। और एक और है जैसे मीथेन, ये भी लैब में ही प्रिपेयर किया गया था बर्थलॉट ने, ठीक है। ये तीनों ही कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लैब में प्रिपेयर किए गए हैं, और यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सो इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की पढ़ाई। तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव्स यानी कि रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये एच सी दिख रहा है यानी कि हाइड्रोकार्बन, एंड ऐड अनदर ग्रुप, उनको हम कह देंगे कि ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन में आएंगे जैसे कि CH4 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। और जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर 6 मेंबर का रिंग, 5 मेंबर का रिंग है, जैसे 4 मेंबर का रिंग, ठीक है। इसमें देखिए जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया इधर, इसमें जो एक कोना है, जैसे ये कोना हो गया, ठीक है। ये कोने का मतलब है कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है इधर। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन किधर गया, ये तो सिर्फ कार्बन कार्बन हो गए। तो ऐसा है कि जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं उनको हम शो नहीं करते हैं जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए एक अगर कार्बन है इधर, एक कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ बना लिया इसने, एक ऐसे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसको मैं बता रही हूँ, ये कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया और दूसरा बॉन्ड इधर बनाया,
तो कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, वैसे दो बॉन्ड इसने बना लिए, दो बॉन्ड और बच गए हैं, वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होते हैं। और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, उसको हम यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई और, जैसे कि कोई और एलिमेंट आ गया, ऐसे ऑक्सीजन आ गया, तो उसको हम शो करेंगे इधर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो कार्बन आना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो उसको हम शो करेंगे। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसको शो नहीं करते हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम शो करेंगे, ठीक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है डायरेक्ट, तो उसको हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई है बात हाइड्रोकार्बन की। और उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जैसे CH4 है, तो इनमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, तो कितने बचेंगे, CH3। और उस एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हम एल्कोहल ग्रुप ऐड कर देंगे, OH, ठीक है। दूसरा है जैसे कि आपके पास C6H12O6, ठीक है। ये है जैसे, ये एक क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का ये डेरिवेटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। एक होता है C12H22O11, ये क्या है हमारे पास, सुक्रोज। तो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि ये जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, इनको ही मिला के हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनमें देखिए, एक कार्बन का होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन का ज़रूरी है होना, और कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे, ठीक है, और भी बाकी सारे हैं। तो ये सब जब प्रेजेंट होंगे इसमें, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का तो होना ज़रूरी है, उसके बाद कोई और ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। पहला गिवन आपको CO2। अब देखो यहाँ पर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है H2O, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इसको भी हम नहीं बोल सकते कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगला है, यहाँ पर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये एल्कोहल का एक जो ग्रुप है वो अटैच है, यानी कि ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है ये, और हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड। अब देखिए हमने अब तक जितने भी स्टडी करी है, हमने बोला कि जो कार्बन के ऊपर फोकस किया ज़्यादा, ठीक है, और किसी एलिमेंट के ऊपर हमने फोकस क्यों नहीं किया, क्योंकि जो कार्बन है उसके पास कुछ ना कुछ खास बात होगी, तभी तो उसके बारे में हमने बात करी, उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो अब हम कार्बन की कुछ खासियत देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका टेट्रावेलेंसी, पहला है टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मीन्स चार और वैलेंसी मतलब वैकेंसी, ठीक है, टेट्रा मीन्स चार
वैलेंसी जैसे इसको बोल सकते हैं आप, वैकेंसी कि चार वैकेंसी आ रही है, ठीक है, चार वैकेंसी है। तो देखिए वैसे नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का वो लिखेंगे हम ऐसे, 1s2, 2s2 और 2p2। तो जो सेकंड शेल है उसके लिए हम ऑर्बिटल बनाते हैं, s सब शेल के लिए एक ऑर्बिटल होगी, p के लिए तीन ऑर्बिटल्स होती हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन, और पी में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो बात हो गई है ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन है उसके पास ऐसा अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अनपेयर्ड हैं? दो बॉन्ड बना सकते हैं, टू बॉन्ड्स आर पॉसिबल। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट के लिए हम कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन के ऊपर ऐसे स्टार बना देंगे, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो एस सबशेल के पास, यहाँ पर एस वाली ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करके इस पी ऑर्बिटल के, सॉरी पी सबशेल के ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ से दूसरा जब निकल जाएगा तो एक ही बचेगा ना इधर, और जो दूसरा वाला है जो जंप करके जा रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों तो पहले से थे, ये वाला उठ के इधर आ गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गया ये वाला। तो अब देखो यहाँ पर है चार इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स पॉसिबल हैं? फोर बॉन्ड्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला जंप करके क्यों नहीं गया आगे, क्योंकि जो आगे ऑर्बिटल है वो खाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन होता है कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो वो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कोई खाली जगह नहीं होगी तो ऐसे थोड़ी कि यहाँ से उठ के कहीं भी चला जाएगा, तो कोई खाली जगह होनी चाहिए तभी तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसको। लेकिन कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के जंप करके इस वाली ऑर्बिटल में आ जाएगा, चार अनपेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? चार बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लिख लो, कार्बन कैन मेक, कैन फॉर्म लिख लो आप, कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम फोर बॉन्ड्स, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए आपने ऐसे कार्बन का देखा होगा, आपने कार्बन तीन बॉन्ड यहाँ बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा एक कार्बन के साथ बना रहा है, ठीक है, एक होगा ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हुए। ये तीन बॉन्ड कार्बन के साथ और एक केस होता है ऐसे डबल बॉन्ड इस वाले की साइड, और जो दूसरी साइड कार्बन है उसके साथ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड है? एक दो तीन चार,
ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए, जैसे जो भी सिंगल लोग होते हैं वो कैसे होंगे, सिग्मा, ठीक है, रोस्टिंग कर देते हैं वो लोग सिंगल लोग, और जो रिलेशनशिप में होते हैं उनके पास क्या होती है, एक क्यूटी पाई होती है, ठीक है, ये क्यूटी पाई। तो देखिए सिंगल में एक रहेगा, रिलेशनशिप में दो रहते हैं, ठीक है। तो यह देखो ये जो कार्बन है इसके पास ये एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि चार सिग्मा है, ठीक है। सिंगल कैसे होते हैं, सिग्मा, ठीक है, चार सिंगल बॉन्ड है यानी कि चार सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो यहाँ पर एक भी क्यूटी पाई नहीं होगी, क्यूटी पाई यानी कि एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, जीरो पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखिए अब इस वाले कार्बन के पास ये सिंगल है। अब देखिए कोई भी पहले रिलेशनशिप में जाता है तो वो कैसा होता है, पहले सिंगल होता है, तो एक सिंगल इसका माना जाएगा कि भाई ये पहले सिग्मा मेल था, ये सिग्मा इंसान था, ये एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ठीक है, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। और जब ये रिलेशनशिप में आया तो इसके पास एक क्या आ गई, क्यूटी पाई आ गई, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इसमें ये जो कार्बन है पहले कैसा था, सिंगल था, ठीक है, एक सिग्मा, सिंगल कैसे होते हैं, सिग्मा होते हैं ना, तो पहले सिंगल था तो ये सिग्मा हो गया, और ये अभी भी सिंगल है, तो एक सिग्मा दूसरा सिग्मा यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड, और ये पहले सिंगल था उसके बाद इसके पास आई दूसरी एक क्यूटी पाई आई, उसके बाद इसके पास आ गई दूसरी क्यूटी पाई, तो इसके पास कितने हो गए, दो क्यूटी पाई हो गई है यानी कि दो पाई बॉन्ड, ओके। यहाँ देखिए इस वाले कार्बन के ऊपर फोकस करते हैं, पहले ये सिंगल था, ये भी सिंगल था, तो सिंगल कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं सिग्मा, तो यहाँ पर दो सिग्मा है, उसके बाद इस वाले सिंगल के पास एक आ गई क्यूटी पाई, इस वाले के पास भी एक आ गई क्यूटी पाई, तो कितने क्यूटी पाई, ये दो क्यूटी पाई यानी कि दो पाई, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड, और एक अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एक क्यूटी पाई आ गई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यानी कि पहले सिग्मा था, पहले सिंगल था ये सिग्मा था, उसके बाद एक क्यूटी पाई आई, उसके बाद दूसरी क्यूटी पाई भी आ गई, तो इसके पास दो पाई बॉन्ड हो गए हैं, ठीक है, दो क्यूटी पाई यानी कि दो पाई बॉन्ड, और दो इसमें सिग्मा था, एक ये सिग्मा, एक दूसरा सिग्मा, ठीक है। इस वाले के पास ये पहले सिंगल था, ये भी सिंगल था, सिंगल यानी कि सिग्मा, दो सिग्मा हो गए, फिर इसके पास एक क्यूटी पाई आ गई, इसके पास भी आ गई एक क्यूटी पाई, तो यहाँ पर दो क्यूटी पाई हो गए हैं। अब देखिए जितने सिग्मा बॉन्ड है, चार सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है, एक s और तीन p, 1s और 3p, ये कितने हो गए, चार, ठीक है, यहाँ पर है तीन सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीन है, यहाँ पर देखो वन, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 = 3, ठीक है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब यहाँ पर ये इस s को मत हटा देना, ठीक है, s नहीं हटेगा क्योंकि p3 कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, sp2 ही होगा, ठीक है। अगला देखिए इधर, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है इसमें, है ना, ये वाले दो सिग्मा बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड के लिए एस हो गया एक और दूसरा पी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसमें देखिए दो सिग्मा बॉन्ड है तो इसके लिए भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। देखिए
टेट्राहेड्रल स्टेबिलिटी में हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। देखो पहले ये जो पीछे वाला एक पार्ट है, ठीक है, पीछे जो इसके फेस है वो ये ब्लू वाला है, ठीक। उसके बाद नीचे वाला जो बेस वाला है वो ये ब्लैक से ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ये ब्लू वाला एक फेस हो गया, ब्लैक वाला एक फेस, ठीक है। और यहाँ पर ये रेड से इस साइड का फेस हो गया और ये दूसरा वाला फेस ये है। ठीक, एक दो पीछे एक और ये फोर्थ वाला नीचे की तरफ, ठीक है। ये शेप होगा टेट्राहेड्रल का और इसमें जो एंगल होता है थीटा वो होगा 109 डिग्री 0.5 यहाँ पर है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दो 109 डिग्री 28 मिनट। तो इससे ये जो कार्बन होता है इसके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है। CH4 है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रल में। ये हाइड्रोजन आ जाता है, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया ना, इससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आपके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन यानी कि चेन फॉर्मेशन, ठीक है, चेन फॉर्मेशन। इसमें कार्बन कार्बन मिला के एक लंबी चेन बना लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये देखो ये कार्बन है, ये दूसरा वाला भी कार्बन है, ठीक है। तो खुद के जैसे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनता है यहाँ पर तो इसको हम बोल देते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया चेन, ये रिंग भी बना सकता है, 6 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, ये सब क्या है, कैटिनेशन की वजह से है। ये रिंग हो गई, रिंग फॉर्मेशन, एंड ये चेन हो गई। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म चेन और रिंग। ये प्रॉपर्टी सभी शो नहीं कर पाते हैं, कार्बन के पास ये खास बात है, तभी तो ये लंबी लंबी चेन बन जाती है। लंबी चेन बनने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन की खास बात है, इनकी वजह से ही कार्बन को हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी तरह हम कार्बन की ही स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। Thank you.